करीबन 3 साल पहले एटीएम तोड़ने के भगोड़े आरोपी को पुलिस ने सरकाघाट से दबोचा है। पीओसएल हमीरपुर की टीम ने आरोपी विवेक शर्मा पुत्र कश्मीर सिंह गांव कुठेहड़ सरकाघाट मंडी को धर दबोचा है। लगातार कोर्ट में चल रहे केस में नदारद रहने वाले आरोपी की तलाश की जा रही थी। एएसपी हमीरपुर बलवीर सिंह के अनुसार आरोपी की काफी दिनों से उद्घोषित भगोड़ा था, जिसकी पुलिस को तलाश थी। आपको बता दें कि 10 अगस्त 2015 को पुलिस थाना भोरंस में रात करीब 2:30 बजे भरेड़ी में लगे पीएनबी के एटीएम को तोड़ा गया था, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था और आरोपी को भी गिरफ्तार किया था। लेकिन इसके बाद एक आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुआ और भाग गया था, जिसे अब पुलिस ने पकड़ा है। एएसपी बलवीर सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि हमीरपुर पुलिस ने इस 10 साल भगोड़े अपराधी को पकड़ने में सफलता हासिल की है और आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। पुलिस के लोगों ने एक जो भगोड़ा था विवेक शर्मा, ये सरकाघाट देव बराड़ता का रहने वाला, तो ये 2015 का एटीएम तोड़ने का एक केस रजिस्टर था इसके विरुद्ध ऑरेंज के इलाके में। तो क्योंकि ये कोर्ट में पेश नहीं हो रहा था और इसको उद्घोषित अपराध भी करार दिया गया था, तो इसको कल हमने सरकाघाट के इलाके से पकड़ा और इसके विरुद्ध जो भी कानूनन कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। लगातार विभाग का और जिला पुलिस का ये प्रयास है कि जितने भी भगौड़े हैं उनको जल्दी से जल्दी हम पकड़ें और उनको कानून के दायरे में लाके उनके विरुद्ध जो भी कार्रवाई बनती है उसको किया जाए। तो इस दिशा में हमारे जो प्रयास हैं काफी वो सफल रहे हैं। अभी तक हम इस वर्ष 10 जो इस तरीके के भगौड़े थे उनको पकड़ने में कामयाब हुए हैं और उनके विरुद्ध जो भी उचित कानूनी कार्रवाई है वो की जा रही है।